पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में आज दूसरा वनडे में टाकरा होगा। कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। कप्तान बाबर आजम आज भी फतह के लिए पुरउम्मीद है। मैच का आगाज सुपहर 4 बजे मुल्तान स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें अब्दाली रोड पर वाकई निजी होटल में कयाम पजीर। दोनों टीमें 2 बजे निजी होटल से मुल्तान स्टेडियम के लिए रवाना होंगी। मजीद जानते हैं माजिद करासरा से। जी माजिद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, 14 साल मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हुई थी और इसके साथ साथ पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों के दरमियान जो है वो सीरीज का इनेकाद किया गया था। पहले मैच में पाकिस्तान ने जो है वो वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी। आज जो दूसरा वनडे मैच है वो आज खेला जाएगा। अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें इस टाइम निजी होटल में जो है वो कयाम पसीर है। उनकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के जो वो फुल प्रूफ जो है वो इकदाम किए गए हैं। रूट्स पर भी सिक्योरिटी की जो है वो चेकिंग है वो सख्त की जा चुकी है। मैं इस टाइम निजी होटल के जो है वो बाहर जो है वो मौजूद। यहां पर अगर बात करें रोड्स की तो इस रोड को जो है वो रेड जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। रुकावटें लगाकर इस रोड को बंद किया गया है और इसके साथ साथ यहां पर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल भी यहां पर मौजूद है, उसके सामने भी जो है वो रुकावटें जो है वो लगाई गई हैं। और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का जो बैक तरफ जो रोड है उसको जो है वो खोला गया। और इसके साथ साथ नवाशहर चौक की बात करें तो नवाशहर चौक से जो आने वाले जो निजी होटल की तरफ आने वाले रास्ते हैं उसको भी जो है वो रुकावटें लगाकर बंद किया जा चुका है। अगर हम पुलिस की बात करें तो जो 8 बजे से ही जो पुलिस की जो भारी है वो इस रूट्स के ऊपर यहां पर जो मौजूद है। ट्रैफिक एहलकारों की बात करें तो 1200 के करीब जो वो ट्रैफिक एहलकार जो है वो ड्यूटी के फरज सारे अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के जो है वो 6000 एहलकार और इसके साथ साथ जो 4000 एहलकार हैं वो यहां पर जो है वो ड्यूटी के फरज जो है वो सारे अंजाम जो है वो मैचेस में दे रहे हैं। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इकदाम किए गए हैं। यहां से जो रूट्स जब टीमें जो है वो 2 बजे के करीब जो है वो यहां से जो है वो रवाना होंगी। वहां पर रूट्स के हवाले से बात करें तो पुराना शुजाबाद रोड और इसके साथ साथ यहां से होते हुए कायापुर चौक है और वहां से विहारी चौक की तरफ तमाम तर जो रास्ते हैं उनको जो है वो जब टीम की मूवमेंट्स के दौरान जो है वो रोड्स हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक किए जाएंगे।